हेलो हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड एवरीवन, टाइम फॉर इंग्लिश लेटर टर्न। सो एवरीवन ओपन योर इंग्लिश लेटर बुक चैप्टर नंबर 4। व्हाट इज जैन? स्टूडेंट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पोएम बिफोर प्रीवियस डे इन माय वीडियो। सो टुडे आई एम आल्सो गोइंग एक्सप्लेन दिस पोएम। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आफ्टर दैट वी विल डू कॉम्प्रिहेंसन। हम लोग इसके बाद कॉम्प्रिहेंसन करेंगे एक्सरसाइज नंबर ए सी एंड डी। ओके, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर ए सी। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर ए और सी को करेंगे। मीन्स आज पेज नंबर टुडे वी विल कंप्लीट पेज नंबर 28। बट बिफोर अगेन वन टाइम्स आई एम गोइंग टू स्पीक। सो एवरी वन स्पीक विद मी। सभी मेरे साथ स्पीक करेंगे। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस पोएम। मैंने इसे कल के ऑडियोज में वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था। इन दिस पोएम फ्रूट्स कलर नेचुरल थिंग्स फ्रूट्स कलर एंड बेरीज आर डिस्क्राइब बाई पोएट जैक प्रील्यूड्स स्काई के द्वारा। जो है इसमें सिर्फ खाने वाली चीज़ें जो है डिस्क्राइब की गई हैं और उन्होंने एक जो है इमेजिनेरी ह्यूमन सुपरमैन जो है इस कह सकते हैं कि सुपरमैन को जो है उन्होंने क्या किया है कि इमेजिन किया है कि एक ऐसा व्यक्ति है सुपरमैन जिसने कपड़े जो है कैसे पहन रखे हैं। उसने कपड़े जो है वो रेड एंड वाइट कलर के पहन रखे हैं और किस तरह से हैं उसके जो कपड़े हैं मतलब वो पेपरमिंट जैसे हैं। उसके सिर पे जो हैट है वो जो है रास्पबेरी के उसकी है जिसमें जो फैदर लगे हुए हैं वो कैसे हैं वो फैदर टॉल है। और उसके जो शूज़ हैं वो एकदम से चॉकलेट कलर के हैं। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ें ही डिस्क्राइब की गई हैं। एक बार फिर से मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ। इन स्टैंजा नंबर 1, देयर लिव्ड अ ग्रीन जायंट हुज नेम वॉज सैम। हिज हेयर वॉज द कलर ऑफ स्ट्रॉबेरी जैम। देयर लिव्ड अ ग्रीन जायंट। ग्रीन मीन्स हरा। यू कैन सी जो जिसकी हम बात करें वो हरे कलर का है। एक बार की बात है कि एक जो है बहुत बड़ा सा जाइंट मीन्स विशाल व्यक्ति था हुज नेम वॉज जैम जिसका नाम हुज नेम वॉज सैम जिसका नाम क्या था सैम था। हिज कलर वॉज स्ट्रॉबेरी जैम और उसका जो हेयर का जो कलर था हिज हेयर वॉज उसका जो हेयर का जो कलर था वो कैसा था स्ट्रॉबेरी जो जैम होता है फ्रूट जैम जो था स्ट्रॉबेरी का उस कलर का उसका हेयर था। He had one brown and one blue eyes. उसकी एक आँख ब्राउन और एक जो आइज़ है वो ब्लू कलर की थी। And a beard the color of pumpkin pie. और उसका जो बियर्ड था जो दाढ़ी थी वो किस तरह की पके हुए पम्पकिन के लगता था कि बिस्किट के कलर का उसकी बियर्ड थी। His coat and pants were also bright. उसके जो कोट और पैंट जो थे वो इतने ब्राइट कलर के थे लाइक अ पेपरमिंट स्टिक और रेड एंड वाइट मीन्स लगता था कि उसकी जो पैंट और उसके जो कोट का कलर है जो रेड और वाइट कलर का है लगता था जैसे कि पेपरमिंट मीन्स एक तरह से कैंडी टॉफी है जो रेड और वाइट कलर की है। His socks were as yellow as lemon pop. उसके जो सॉक्स का जो कलर था वो येलो कलर का था लगता था जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की कोई येलो कलर की बॉटल है। हिज शूज़ वर एज ब्राउन एज अ चॉकलेट ड्रॉप और उसके शूज़ का जो कलर था वो कैसा था ऐसा लगता था कि चॉकलेट में डूबा हुआ उसके शूज़ का कलर। हिज हैट वॉज कलर ऑफ जिंजर ब्रेड। लास्ट स्टैंजा है। हिज हैट वॉज द कलर ऑफ जिंजर ब्रेड। उसके हैट का जो कलर था वो कैसा था जिंजर ब्रेड मीन्स ब्रेड तो समझते हो जो ब्रेड आप लोग खाते हो और लेकिन वो कौन सा ब्रेड था वो जिंजर अदरक वाला ब्रेड था। विथ अ टॉल और साथ में क्या था उस हैट में एक लंबा सा फैदर मीन्स पंख लगा हुआ था और वो पंख किस चीज़ का था रेस्पबेरी रेड मीन्स रेस्पबेरी छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते सॉरी फ्रूट्स होते हैं जैसे आप लोगों ने खाया होगा ना बेर वगैरह खाए हैं या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रॉबेरी है इस तरह के जो है छोटे छोटे जो बेरीज है तूत है मलबरी है इस तरह के जो है उसके जो फादर हैं उसका कलर। ठीक है तो हम लोगों ने इसको एक बार फिर से पढ़ लिया। फिर से एक बार चलिए मेरे साथ बोलिए। देयर लिव्ड स्टैंजा नंबर 1
There lived a green giant whose name was Sam. His hair was the color of strawberry jam. He had one brown and one blue eyes and a beard the color of pumpkin pie. His coat and pants were oh so bright, like a peppermint stick, all red and white. His socks were as yellow as lemon pop. His shoes were as brown as chocolate drop. His hat was the color of gingerbread, with a tall, tall feather of raspberry red, composed by Jack Prelude Sky. Now, we will do comprehension on page number 28. So, everyone open your comprehension page. इसमें हमें क्या करना है, देखिए एक्सरसाइज नंबर ए, पिक आउट फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द ग्रीन जायंट. कह रहे हैं कि पिक आउट, आपको पिक आउट करना है, जो वर्ड्स हैं उनको पिक आउट करने हैं. साथ में आपके जो है इधर जो है, देखिए वन यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्ड्स जैसे हेयर, तो हेयर वर्ड्स को किस तरह से, किन चीज़ों से डिस्क्राइब किया गया है, तो पोएम से पिक आउट करना है और राइट करना है. फॉर एग्जांपल जैसे देखो, हेयर, हेयर को कैसे किया गया है, स्ट्रॉबेरी जैम के जैसे किया गया है. ठीक है. सेकंड, कोट, कोट कैसा है, कोट का कलर, द कलर ऑफ कोट इज रेड. आइज ब्राउन एंड ब्लू, वन ब्लू एंड वन ब्राउन आइज. पैंट्स ओह सो ब्राइट, पैंट का कलर क्या था, वाइट. शूज चॉकलेट ड्रॉप्स. हैट जिंजर ब्रेड, BREAD ब्रेड. सॉक्स येलो एंड बियर्ड पम्पकिन पाई. क्लियर हो रहा है. हेयर का कलर कौन सा था, स्ट्रॉबेरी. कोट का कलर रेड. आइज ब्राउन एंड ब्लू. पैंट्स वाइट. शूज चॉकलेट्स. हैट जिंजर ब्रेड. सॉक्स येलो एंड बियर्ड इज पम्पकिन पाई. ठीक है, तो समझ में आ गया. इसमें करना क्या है, पिक आउट फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द ग्रीन जाइंट. मीन्स आपको ऐसे वर्ड पिक आउट करने हैं पोएम से, जो ग्रीन जाइंट, जो हरे कलर का व्यक्ति है, बहुत विशाल का है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. और उनके जो किस किस चीज़ को हमको पिक आउट करना है वो ऑलरेडी दिया है. जैसे हेयर बताना है कि किस कलर का, कोट, आइज, पैंट, शूज, हैट, सॉक्स और बियर्ड, ये किस किस चीज़, मतलब किस चीज़ों से इनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो वर्ड आपको पिकअप करना है. ओके, नाउ लुक एक्सरसाइज नंबर सी. राइट द नेम ऑफ द क्लोथ एंड एसेसरीज बाय द जॉइनिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. आपको क्या करना है, आपको जो एसेसरीज दी गई हैं, इन एसेसरीज को ज्वाइंट करना है. क्या करना है, ज्वाइंट करना है. और ज्वाइंट करने के बाद आपको एक वर्ड साथ में बनाना है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स डू स्टार्ट करते हैं. NIGHT नाइट. नाइट जो है वो क्या होता है, नाइट प्लस गाउन. तो नाइट को गाउन से क्या करना है, मैच करना है. ओके, फ्लिप. तो फ्लिप जो है, फ्लिप फ्लॉप, जो चप्पल होता है ना पहने पे, फ्लिप फ्लॉप. बाथ, बाथरूम को करिए मैच. हैंड बैग, HANDY हैंड को बैग से करिए. ओवरकोट ऑलरेडी हैज़ बीन डन फॉर यू. ट्रैक सूट जो रात में पहनने वाला ट्रैक सूट. फिर एक बार हम लोग देख लेते हैं, नाइट गाउन, फ्लिप फ्लॉप, बाथ रोब, हैंड बैग, ओवर कोट, ट्रैक सूट. ठीक है, अब क्या करना है, इस तरीके से आपने, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप बहुत आराम से इसको कर भी सकते हैं. नाउ एंड यू विल राइट हियर ओवर कोट. देखिए ओवर कोट पिक्चर भी दिया है, पिक्चर नंबर वन ओवर कोट, सेकेंड बाथरूम, थर्ड हैंड बैग, फोर्थ ट्रैक सूट, फिफ्थ नाइट गाउन एंड लास्ट फ्लिप फ्लॉप. तो इस तरीके से दो जो वर्ड है, उन दो वर्ड से एक नया वर्ड भी हमको बन गया. जैसे ओवर और कोट वो था सेपरेट वर्ड, बट हमने जब उनको
मिला दिया तो एक नया वर्ड बन गया ओवर कोट, बाथ रोब, तो बाथ रोब, हैंड बैग हैंड बैग, ट्रैक सूट ट्रैक सूट, नाइट गाउन नाइट गाउन, फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप। इस तरीके से हमने जो है टुडे वी हैव डन एक्सरसाइज नंबर ए एंड सी। ओके, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। यू विल ऑल्सो फिल एंड राइट एक्सरसाइज नंबर ए एंड सी ऑन बुक एंड सेंड योर पिक्चर ऑन स्कूल सॉफ्टवेयर ऐप। ओके, टेक केयर।